जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ौक़ कबूतर परवरी। जी जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अपने लॉफ्ट के अंदर मौजूद हूँ और लॉफ्ट में हमारे पास एक मेहमान आए हुए हैं स्पेशल गुजरांवाला से, सैयद इब्रार अली शाह साहब। हमारे बड़े दरीना मरासिम हैं, इनके साथ बहुत अच्छे हमारे भाई हैं बड़े और बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। तो गुजरांवाला से आज आए थे स्पेशल शौक करने, तो काफ़ी कबूतरों का शौक़ किया, एक कबूतर के ऊपर रुक गए हैं तो मैंने कहा चले वीडियो भी बना लेते हैं, थोड़ा सा इनसे उस कबूतर के बारे में पूछ भी लेते हैं। जी शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, क्या शुक्र, आप सुनाएं कैसे? शुक्र। तो दोस्तों आज मैं लाहौर में आया हूँ, एक मेरे दोस्त के बड़े अच्छे ताजपुरा में उनके घर शौक करने आया था कबूतरों का, तो वापसी में मैं मोहम्मद अली भाई के पास आ गया, इनके कबूतरों का भी थोड़ा सा शौक करूँ। लास्ट टाइम आया था थोड़ा सा जल्दी में था इसलिए शौक पूरा कर नहीं सका, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा भाई के साथ मिलता जाऊँ, साथ भाई का कबूतरों का जो अच्छे हैं उनका शौक कर जाऊँ। कबूतरों का माशाल्लाह इनके पास तकरीबन हर नस्ल मौजूद है और एक से बढ़कर एक कबूतर है, जिसमें टैडी भी है, गोल्डन भी है और चपड़े भी इनके पास है और सुर्ख इंडियन भी इनके पास बहुत अच्छे हैं। और जो मुझे कबूतर सब अच्छे हैं, लेकिन सब कबूतर एक अपनी जगह पे हैं, लेकिन सियालकोटी कबूतर ब्रीड में जो देखा जाए चूहा नस्ल, आपने सुना होगा नाम, बहुत पुरानी नस्ल है और बहुत अच्छी नस्ल है और ये नस्ल बहुत नायाब हो चुकी है। अगर इन लोगों के पास है भी है वो इसमें इतने को क्रास है कि आप उसका रिजल्ट लेना बहुत मुश्किल हो गया और ये अपनी असल हालत में बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादातर ये नस्ल सियालकोट में पाई जाती है और सियालकोट में भी चंद घर हैं जिन घरों में ये प्योर नस्ल मौजूद है। अगर वो है भी तो वो इतने उसकी प्राइस, इतने वो पैसे बता देते कि हर बंदा आम बंदा वहाँ से परचेज नहीं कर सकता। ये अपनी पहचान खुद करवा चुके हैं, ये अपना लोहा खुद मनवा चुके हैं, ये अकल के मोहताज नहीं, ना किसी चीज़ के दाने पानी के मोहताज हैं। ये जेड में भी इनकी शाम तक की परवाजें हैं। ये जो टैडी गोल्डन कबूतर है ये तो कल की पैदावार है, यानी 8 साल 15 20 साल 25 साल चले जाए, लाइफ टाइम देसी कबूतर है और काफ़ी अरसे से यही चलते आ रहे हैं कबूतर देसी, और इन्हीं कबूतरों ने एक नाम पैदा किया है, एक रिकॉर्ड बनाया है और इन्हीं कबूतर चैंपियन भी आए हैं और अपने उस्तादों का नाम भी चैंपियन में शुमार करवाया है। ये कबूतर किसी चीज़ के मुहताज नहीं है। शायद एक टाइम था, जैसे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लाहौर के अंदर ना सियालकोटी कबूतरों के अलावा किसी कबूतर को माना ही नहीं जाता था। हकीकत वक्त की बात है, अब गेम थोड़ी तेज हो गई है, तेज कबूतर आ गए हैं, जरा वो इन हो गए, लेकिन ये बेस जोन सी है ना, मेरे ख्याल से अगर ये कबूतर असल आपके पास मौजूद है तो इनको आप मॉडरेट करके मॉडिफाई करके आगे अपने हिसाब से चला सकते हैं। ये कबूतर आपको काफी पसंद आया, इसके बारे में क्या? माशाल्लाह बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, ये भी आपका टैडी कबूतर वो भी बहुत पसंद है, ये हीरा लाल, ये सुर्ख है माशाल्लाह, लेकिन ये उन सबसे इसका शौक करवाएं जरा हमें। ये मैं आपको इसका पर दिखाता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह बहुत आउट क्लास पर है इसका, ठीक हो गया। दूसरी साइड का भी पर का शौक करें, ये भी इसका 8वां और 10वां पर निकाला, 7वां ठीक हो गया। ये इसकी टेल देख लें, धूम देख लें, ये इसके पंजों का शौक करें, ये इसकी आंख का शौक करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा कबूतर है। 1 सेकंड रोक के रखिए, ठीक हो गया। और रिजल्टेड कबूतर है माशाल्लाह, और बिल्कुल जैसे कि अच्छे कबूतर की हड्डी जोड़ होना चाहिए, पार होना चाहिए, सेम वही चीज़ है। अच्छा शायरी क्वालिटी है इसके अंदर। शायरी कबूतर मेरा है, लेकिन इसके बारे में आप बताएं जरा, आप ये प्योरिटी में है क्या, इसके पॉइंट्स हैं, आपको क्यों पसंद आ रहा है ये कबूतर और सारी बात? कबूतर मैं बताया पसंद सारे हैं, लेकिन सियालकोटी मुझे ज्यादा ब्रीड पसंद है, तो चूहा ये नस्ल बड़ी नायाब हो चुकी है और ये अपनी असल हालत में कबूतर, मतलब आप इसे क्लास में नहीं है, 100% प्योर कह सकते हैं। 100% प्योर कबूतर है, उसको 100% इसका रिजल्ट भी होगा। ये बच्चा खुद भी इसको उड़ा ले, ये घर बैठेगा और उसके बच्चे भी इंशाल्लाह ताला जाया नहीं होंगे। ये इतना प्योर, इतनी नायाब नस्ल है, इतनी अच्छी नस्ल है, जिस नस्ल में भी आप इसको क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह ताला वो नस्ल में इसको सुवार देंगे। अच्छा, मेरा मकसद चैनल बनाने का ये किसी भाई का भला भी हो जाए। मिसाल के तौर पे किसी के पास ये कबूतर पड़ा हुआ है जी। और उसके पास मादी नहीं है, या मादी पड़ी है नर नहीं है, तो ये बेहतर किसके अंदर क्रॉस इसका बन सकता है कि प्योर भी बंदा बना ले, उड़ा भी ले? देखें अगर तो आपने उड़ाना है उड़ाना, तो फिर तो आप इसको किसी टैडी में या गोल्डन में क्रॉस कर लें, ठीक हो गया, उड़ने वाले बन जाएंगे, ठीक हो गया। अगर आप इसकी प्योर नस्ल बनाना चाह रहे हैं तो इसको नस्ल को नस्ल के करीब ही रखें तो वो नस्ल प्योर बनेगी। मसलन ठीक है, सियालकोटी को सियालकोटी में रखेंगे तो जॉन सेरों के साथ लगा सकते हैं, बटेरे लगा सकते हैं, चूहों में चूहे या छात वाले लगा सकते हैं, देखिए सियालकोटी ब्लड है, ये आपस में एक ही है, इनका दादा नाना जो पीछे पीछे जाके मिलते हैं, अच्छा पीछे से इसका बैकग्राउंड एक ही है। अगर आपने इसको उड़ाने में क्रॉस में देना है, अगर बच्चे उड़ाने हैं फिर आपको टैडियो में क्रॉस कर लें, गोल्डनों में कर लें, डावालों में कर लें, जिसमें मर्जी कर। अच्छा व्यूअर्स मैं आपको बताते चलूँ कि सैयद इब्रार अली शाह साहब चूँकि गुजरावाला से इनका ताल्लुक है तो सियालकोट की तरफ इनकी इंक्लाइनेशन थोड़ी ज़्यादा है, उसके ऊपर काफ़ी महारत रखते हैं, नॉलेज है इनके पास, तो जो ये गाइड कर सकते हैं सियालकोटी परेड के ऊपर वो मेरे ख्याल से और कोई नहीं कर सकता। अच्छा शाह जी इसके साथ जो मादी लगाई हुई है सामने मैंने, वो जो बच्चे पे बैठी है उसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छी है मादी भी, बहुत ये आपका जोड़ा 100% ओके है ये। अच्छा ठीक है, ये मतलब बच्चे उड़ा भी सकते हैं, अल्लाह ताला बच्चे उड़ेंगे भी और घर भी बैठेंगे और ये प्योर बच्चे भी काट भी सकते हैं। सही, और इसी को आगे आप क्लास में भी लगा सकते हैं। सही ठीक है, नमादी अपनी जगह प्योर है लेकिन नर बहुत अच्छी हालत, बहुत अच्छी हालत, ठीक हो गए और इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपके पास। ठीक है, और कोशिश करें दोस्तों अगर आपने प्योर कबूतर बनाने हैं, प्योर कबूतर जो सियालकोटी कबूतर है वो ज्यादातर या तो सियालकोट में आपको मिलेंगे, वो भी चंद घरों में, या मुल्तान साइड पे या गुजरात साइड पे चंद घर हैं जहाँ पे प्योर नस्लें सियालकोटी मौजूद है। और जो शौकीन भाई हैं उस घर में सियालकोटी कबूतर होना बहुत जरूरी है। कसूरी कबूतर जो है वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा आजकल भी सियालकोटी ब्रीड आपके पास लाजमी पर होना चाहिए घर पे, बहुत जरूरी है जी, इसके बगैर क्योंकि गेम तो बड़ी तेज हो गई, तेज हो गया। जो सियाल लाहौर के जो बड़े उस्ताद हैं वो भी आजकल सियालकोट कबूतर परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं और कबूतर अच्छा ढूंढ रहे हैं, लेकिन कबूतर उनको मिल रहे हैं लेकिन जो चीज वो ढूंढना चाह रहे हैं वो चीज नहीं मिल रही, तो कबूतरों में क्रास बहुत ज्यादा टच है। अच्छा सियालकोट की एक ड्रॉबैक ये है जो मैं समझता हूँ, इस पर रोशनी आप डालें, कसूर में तो बेहतर ये हो गया कि लोगों ने बेचना शुरू कर दिए, वो लोगों के पास आ गए, घरों से निकल के, बड़े घरों से कबूतर निकल के आ गए, उन्होंने आपने अपने हिसाब से उनको बनाया और वो आगे चल पड़े। सियालकोटियों ने ना कबूतर बेसिकली बेचे नहीं है, अपने दादे की नस्ल एक कमरे में संभाल के रखी, वो एक तो इनब्रीड होते रहे कमरे में रहकर, दूसरा वो बाहर किसी के पास आए नहीं है, तो इस वजह से भी मेरे ख्याल से सियालकोटी कबूतरों का ना पीछे चले गए। चंद घर ऐसे हैं जिनमें प्योर नस्लें मौजूद है, कुछ घर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नस्ल ही इनब्रीड कर दी है, अब उनसे वो नस्ल ही नहीं कवर हो रही कि उसको अपनी असल हालत में दोबारा ठीक कैसे किया जाए। ठीक है, वो इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए तजर्बा चाहिए, वो किसी सीनियर उस्ताद से दोस्त से मशवरा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी अपनी असल हालत में आ जाएंगे, लेकिन उसको एक वक्त चाहिए, टाइम चाहिए उसको अपनी असल हालत में। अच्छा शाह जी एक सवाल करूँ मैं आपसे, ये कसूरी कबूतरों का तो पता है हमें कि बैकग्राउंड इनकी फिरोजपुरी है पीछे, या रामपुरी कबूतर आए हैं, फिरोजपुर से आए हैं कबूतर, सियालकोटियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? इनके पीछे भी कोई इंडियन कबूतर पीछे से हैं, मास्टर अब्दुल्ला वगैरह के कबूतरों? बेस जो है ये कबूतर है ही इंडियन है। अच्छा, जब ये हमारा पाकिस्तान डिवाइड हुआ, अलहदा हुआ है, तो ये पहले कबूतर सारे हिंदुस्तान से इधर ट्रांसफर हुए हैं ना, वहाँ के लोग जो इधर आए वो 7 कबूतर भी इधर ले आए, ठीक है, बाद में ये पार्टीशन हुई, अलहदा हो गए। बेस कबूतर ये है हिंदुस्तान के ही है, ठीक है, इंडिया के कबूतर है। आगे जब ये पाकिस्तान में ट्रांसफर हुए कबूतर, फिर आगे अपनी तजर्बे के हिसाब से नस्लें टच देकर आगे नई नस्ल बना ली। सही, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका रिजल्ट रहा और बहुत अच्छा उनको कारगर जी एक नाम हुआ जी मास्टर अब्दुल्ला का, लाला हसरात का बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा सियालकोटी के चूहे बटेरे छात वाले अली वाले, ये बड़ी नयाब नस्ल है, बहुत नयाब नस्लें हैं और ये लोहा तोड़ नस्लें हैं और सिक्का पंच से, और ये शाम को आएंगे और इंशाल्लाह घर ही बैठेंगे, इनमें इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतनी ज्यादा परवाज है और अकल के बादशाह और परवाज के भी बादशाह। ठीक है शाह साहब, एंड पे कोई पैगाम है मेरे व्यूअर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए? अपने चैनल का नाम आप बता दें, कोई फॉलो करना चाहता है? मेरे चैनल का, मैं कुछ अरसे से चैनल मेरा बंद है लेकिन उसका नाम है शौक टीवी, SHOUK TV, शौक टीवी। और कबूतर टैडी भी बहुत अच्छे हैं, गोल्डन ब्लड लाइन हर ही अच्छी है जो उड़ती है, जिसका रिजल्ट है वो सब ब्लड लाइन अच्छी है, लेकिन सियालकोटी की जोड़ कोई भी नहीं है। ठीक है, सियालकोटी कबूतर को आपने जिस नस्ल में भी क्रॉस किया वो नस्ल बेहतर हो गई है, ये किसी नस्ल की मोहताज नहीं है। सही, सियालकोटी किसी नस्ल की मोहताज नहीं है, इसमें अक्ल भी बहुत है, इसमें परवाज भी बहुत है। जब ये टैडी गोल्डन नहीं थे तब भी ये कबूतर चैंपियन थे, इन्होंने कबूतरों ने चैंपियन नाम मनवाया, अपना लोहा मनवाया और अपने मालिकों को इज्जत दिलवाई है। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके वक्त का, शुक्रिया। ऑलराइट व्यूवर्स, तो ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये देखें ये जोड़ा है, नर अपने खाने के बाहर जाके बैठ के, पीछे इसकी मादी बैठी हुई है, बच्चा इन्होंने फिर निकाला हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। इंशाल्लाह ताला फिर एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।